हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए हम जो टॉपिक आपका पढ़ रहे हैं, इट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ये वाला यूनिट आपका कंटिन्यू चल रहा है। इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखो क्या है ये बॉन्ड्स, क्या होते हैं। एक एटम यहाँ पे है, दूसरा एटम है, तो इस एटम्स में क्या होते हैं, बाहर से ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स होते हैं SPDF, जो हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़े थे। तो वो ऑर्बिटल क्या करते हैं, वो आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ओवरलैपिंग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं, शेयरिंग वाले जो बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड ये बनाते हैं ओवरलैपिंग से। तो ये दो तरह के हैं। अब डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग कौन सी। द बॉन्ड विच इज फाउंड बाई ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलॉन्ग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मान लो ये आपका एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये आ गई दोनों की इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और अगर इनके ऑर्बिटल, इन एटम्स के ऑर्बिटल इस न्यूक्लियर एक्सिस पे कहीं ओवरलैप करेंगे, वो जो ओवरलैपिंग पोर्शन आएगा वो इस एक्सिस पे आएगा, तो इस तरह के बॉन्ड को आप बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और अगर नहीं आएगा, इस एक्सिस पे नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा या इसके नीचे आएगा ओवरलैपिंग पोर्शन, तो उसको आप बोलेंगे पाई बॉन्ड। सिंपल से ये दो तरह के बॉन्ड्स हैं अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, एस एस ओवरलैप। अब आपको पता है एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। मान लो ये आपका एक एस ऑर्बिटल है एक एटम का, ठीक है, तो ये आपका दूसरा एटम का एस ऑर्बिटल है और ये इनके न्यूक्लियस हैं सेंटर में, ये आपकी एक्सिस आ गई। तो आपने देखा ये जो ओवरलैपिंग पोर्शन है ये कहाँ पे पड़ता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, एस एस ओवरलैप में, इसलिए ये कौन सा बॉन्ड आ गया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, एस पी ओवरलैप। एक आपका एस ऑर्बिटल है और दूसरा आपका पी ऑर्बिटल है, और इसमें भी पी हम कौन सा लेते हैं, पी जेड, पी जेड ले लेंगे, या पी एक्स पी वाई भी ले सकते हैं। तो हम एक ऑर्बिटल ले लेंगे, जैसे आपको पता है पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, ये आपकी पी ऑर्बिटल की शेप है। तो आपने देखा ये जो आपकी ओवरलैपिंग हुई है ये किस पे हुई है, इस एक्सिस पे हुई है, तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, ये भी आपका आ गया क्या, सिग्मा बॉन्ड। उसी तरह से मान लो ये पी जेड है, पी एक्स भी हो, ये इस एक्सिस में हो, पी मान लो ये पी एक्स है, तो इसमें भी क्या होगा, ऐसे करके ये भी उस एक्सिस पे जा सकता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो वैसे ही पी वाई के साथ भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, मतलब एस और पी की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, एस और एस की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस और पी की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि ओवरलैप हो रहे हैं अलॉन्ग एक्सिस। पी जेड, पी जेड की बात करते हैं, पी ऑर्बिटल्स, अगर पी पी ओवरलैपिंग होगी मगर उसमें सिर्फ पी जेड होना चाहिए, पी जेड और दूसरा भी पी जेड ऑर्बिटल ही होना चाहिए, तब जाके वो आपका ऐसे ओवरलैप जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पी एक्स और पी वाई नहीं। एस को अगर पी एक्स के साथ करते हो तो भी सिग्मा बनेगा, एस को अगर पी वाई के साथ करते हो तो भी सिग्मा बनेगा, एस को अगर पी जेड के साथ करते हो तो भी सिग्मा बनेगा, पर पी जेड को पी जेड के साथ ही करना है तब जाके सिग्मा बनेगा। पी जेड को आप पी एक्स के साथ नहीं कर सकते, पी जेड को आप पी वाई के साथ नहीं कर सकते, तब सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये थे आपके सिग्मा बॉन्ड, जो अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो ओवरलैप होते हैं। पाई बॉन्ड की सिंपल डेफिनेशन है, द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइड बाय साइड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। साइड बाय साइड मतलब ये अगर एक्सिस आएगी तो एक्सिस पे ओवरलैपिंग कहीं नहीं होगी, ऊपर होगी या नीचे होगी, और वो परपेंडिकुलर होगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, उसको आप बोलते हैं पाई बॉन्ड। एग्जांपल क्या लिखिए, पी एक्स, पी एक्स मान लो ये पी एक्स है, ये आपका पी एक्स और ये पी एक्स है, जब ये ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस तरह से ओवरलैप करेंगे, ये
ये इसके लोब्स, ये तो एक्सिस है पर ये ओवरलैप कर रहे हैं ऊपर और नीचे, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये बॉन्ड आपका बनेगा पाई। उसी तरह से पी वाई, पी वाई की बात करेंगे तो मान लो ये पी वाई इस तरह का मैं बना देता हूँ, ये पी वाई इस तरह, एक्सिस तो ये है, ओवरलैपिंग ऊपर और नीचे हो रही है, इसलिए बॉन्ड आपका आ गया पी वाई पी वाई पाई बॉन्ड। तो सिग्मा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे और पाई ऊपर और नीचे एक्सिस के, दिस इज योर टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा एंड पाई। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, मिक्सिंग होना ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होना। ये जो कंसेप्ट था सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का किसने प्रपोज किया, लिनस पॉलिंग ने, लिनस पॉलिंग ने 1931 में, किस चीज़ को एक्सप्लेन करके, मीथेन को एक्सप्लेन करके। बताऊंगा मैं आपको क्या है ये, मीथेन के बारे में क्या एक्सप्लेन किया उसने। देखो मीथेन जो है एक कार्बन और चार हाइड्रोजन से बनता है, CH4। ठीक, स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसका, CH। अब इसमें होता क्या है, कहाँ से ये कंसेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का, कि ये जो सारे बॉन्ड्स हैं ये एक जैसे होते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ, इनकी जो भी एंगल वगैरह है, ये जो है ये वाला बॉन्ड्स ये सारे एक जैसे होते हैं। बट अगर इनकी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कार्बन की, कार्बन में छः होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p2 कॉन्फ़िगरेशन है सिंपल स्टेट। जब एक्साइटेड स्टेट में हो जाएंगे तो, चलो मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ, इसका कहने का मतलब है कार्बन की जो है इट इज़ 1s2, 2s2 और 2p में आपको पता है px भी होता है, 2py भी होता है, 2pz भी होता है, और 2p2 का मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और pz खाली है, और ये दो इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड हैं, दो ऑर्बिटल हाफ, सिंपल। एक्साइटेड स्टेट में जब आ जाएगा कार्बन तो ये बनेगा 1s2, 2s1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 2px1, 2py1, 2pz1। अब आपके पास चार ऑर्बिटल आ गए हाफ फील्ड, चार ऑर्बिटल आ गए हाफ फील्ड, और ये चार ऑर्बिटल जो हैं वो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का ये 1s, चार हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल उनके साथ ओवरलैप करेंगे और आपके चार कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो आपने देखा पीछे स्ट्रक्चर में ये वाले, ठीक। बट इसमें डिफरेंस ये है कि एक एक जो ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, एक जो सिग्मा बॉन्ड है वो S और P के बीच में है, बाकी जो तीन है वो ये S और S के बीच में है, ये वाला जो बॉन्ड है वो S और S के बीच में है, मगर ये वाले जो तीन है वो S और P के बीच में है, तो डिफरेंस होना चाहिए, ये तीन बॉन्ड अलग होने चाहिए और ये बॉन्ड अलग होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। जब हम इसको स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो ये चारों बॉन्ड सेम होते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ, एंगल सब सेम होता है। मान लेते हैं कि ये वाला जो है वो S और S वाला है, और ये जो है SP और SP वाले हैं, तो इनमें तो फ़र्क होना चाहिए, ये तीन अलग होने चाहिए, ये अलग होना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये चारों के चारों बॉन्ड सेम होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट। यहाँ से इनका एक कंसेप्ट निकला के आया हाइब्रिडाइजेशन का, कि बॉन्ड बनने से पहले वो सारे एक जैसे हो जाते हैं, अलग कुछ नहीं रहता उसमें, मतलब ये चारों के चारों ऑर्बिटल जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं हाइड्रोजन के बॉन्ड बनने से पहले ही। ये आपका कार्बन के जो आ गया 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, ये हाइड्रोजन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाना है चार, मगर इसके बॉन्ड बनाने से पहले ही ये चारों ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग हो जाती है, और चार नए ऑर्बिटल बना देते हैं जिनमें कोई फर्क नहीं होता, जिनकी एनर्जी सेम होती है, उसको आप उनको आप बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये चारों ऑर्बिटल एक ही एटम के हैं, अपने ही एटम के, दूसरे एटम के साथ नहीं कंबाइन होते हैं, मिक्सिंग होती है अपने ही एटम्स के ऑर्बिटल की,
और इस प्रोसेस को आप हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये था लिनस पॉलिंग का जो ऑब्जर्वेशन थी मीथेन को लेकर 1931 में। चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे, हम पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं। द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, क्या हुआ, ऑर्बिटल्स की हो गई इंटरमिक्सिंग ऑफ द सेम एटम, अलग अलग एटम नहीं, उसी एटम के, जैसे ही कार्बन के ही थे चारों ऑर्बिटल, उन्हीं की ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो गई, सो एज टू रिडिस्ट्रीब्यूट दियर एनर्जी। जब पहले थे तो उनमें एनर्जी में फर्क था, पहले एस ऑर्बिटल अलग एनर्जी होती है, पी एक्स पी वाई पी जेड इनकी एनर्जी अलग होती है, एस की एनर्जी अलग होती है, पर जब ये मिक्सिंग हो जाते हैं तो ये अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, गिविंग राइज टू इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, और जितने जितने जुड़ेंगे उतने ही नए भी बनेंगे। मान लो चार मिक्स हुए ना तो चार नए ऑर्बिटल भी बनेंगे विद इक्वल एनर्जी। अब जब ये नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, उनमें कोई फर्क नहीं होगा, एंड पर्टिकुलर ज्योमेट्री इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, और एक पर्टिकुलर वो शेप एक्वायर कर लेंगे चारों। द न्यू ऑर्बिटल्स फाउंड इज आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, द फिनोमिना जिसमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की, सेम एटम के ऑर्बिटल होने चाहिए और एनर्जी में जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एनर्जी और नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जितने जुड़ते हैं उतने ही नए भी बनते हैं, और नए बनने के बाद वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री एक्वायर कर लेते हैं, इस प्रोसेस को आप हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज गिविंग राइज टू इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स विद इक्वल एनर्जीज एंड अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, अगर एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिला मिक्स हुआ तो क्या होगा, उसको आप बोलते हैं एस पी हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस टाइप वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, मतलब एक एस और एक पी मिक्स करेगा, और ये दोनों ऑर्बिटल सेम ही एटम के होने चाहिए, एक ही एटम के होने चाहिए, अलग अलग नहीं, ये कोई मैं बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ सिग्मा और पाई की तरह, ये मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ इनकी बॉन्ड बनने से पहले। टू न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी मैंने बोला कि अगर दो जुड़ेंगे तो दो नए भी बनेंगे, जो दो नए बनेंगे उनको आप बोलेंगे एस पी हाइब्रिड। द लोब्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड एट 180 डिग्री विद ईच, सो द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर। देखो क्या मतलब है इसका, एक एस और बना भी सकते हैं ये वाली डायग्राम, और ये आपका पी, जब ये मिक्स होंगे तो आपके बनाएंगे एस पी, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ये और दो लोब्स इसके अंदर से भी होंगे, ये एस है ये पी है और ये आपका बन गया एस पी हाइब्रिड हाइब्रिड, और इसकी शेप क्या है, लीनियर है, क्योंकि इसमें ये जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, और मॉलिक्यूल की शेप क्या बन जाती है, लीनियर। एग्जांपल लिखी है BeF2 या C2H2 लिखी हुई है एग्जांपल, ठीक है, मैं आप एक एग्जांपल से आपको BeF2 की एग्जांपल हम लेते हैं, BeF2। देखो बेरिलियम जो होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम, चार होता है इसका एटॉमिक नंबर बेरिलियम का, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, फोर, तो 1s2 और 2s2 आ गया, और जो 2p है इसका वो खाली है, चाहे वो 2px ले लो, y ले लो, z ले लो, वो खाली है, 2py 2pz ही खाली। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक s यहाँ से निकल के मोस्टली हम इसको z में डाल देते हैं, क्योंकि z को हम एक एक्सिस पे मानते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में ये बन जाएगा आपका 2s1 और 2pz1, बाकी ये दो खाली रह जाएंगे, ठीक। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों हैं, ये दोनों इंटरमिक्स हो जाएंगे, s और p, आपका बन जाएगा sp हाइब्रिड, और जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, बेरिलियम रहेगा सेंटर में, ये आपका हाइब्रिड sp, ये बेरिलियम,
ठीक है। एग्जाम्पल आप बी ई एच टू की भी दे सकते हैं, ये थोड़ा सिंपल है, बी ई एच टू हाइड्रोजन, ये आ गया हाइब्रिड, sp हाइब्रिड। और हाइड्रोजन के दो बॉन्ड बनने हैं, हाइड्रोजन में आपको पता है सिर्फ 1s होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फिग्रेशन है 1s1, तो हाइड्रोजन का ये 1s और यहाँ पे ये हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का ये दो सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं और स्ट्रक्चर इसका लीनियर रहता है 180 डिग्री का। और ये जो ऑर्बिटल बना इट इज sp हाइब्रिड, sp हाइब्रिड है ये जो सेंटर का बेरिलियम की ऑर्बिटल। तो इस तरह से आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, शेप मॉलिक्यूल की लीनियर बनेगी। sp2 की बात करेंगे, मतलब एक s और दो p, इन दिस टाइप 1s एंड 2p ऑर्बिटल, दो, एक मान लो ऐसे और ऐसे, दो पी ऑर्बिटल जुड़ जाते हैं, इंटरमिक्स मिक्स हो जाते हैं और तीन नए ऑर्बिटल बनते हैं जिसको आप sp2 हाइब्रिड बोलेंगे। देखो अगर तीन ऑर्बिटल होंगे तो उसकी शेप जो होगी ना वो ट्रायंगल शेप में होगी, वो कैसे अरेंज होते हैं इस टाइप में, एक दो तीन, ट्रायंगल शेप में आ जाते हैं और अंदर से कि छोटे छोटे लोब्स भी आप बनाएंगे ऐसे, ये इसको आप बोलते हैं sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड। एग्जाम्पल लिखी है इसमें जैसे bf3 या bh3, bh3 अगर bh3 की बात करेंगे तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, बुरान आ गया सेंटर में, ये एक दो तीन, ये छोटे लोब्स भी आप बनाएंगे सेंटर में, ये आ गया b और h3, ये h और h, ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तीन, ये आपका बन गया। अभी सिंपल देखेंगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर, सॉरी सिंपल आपका ये स्ट्रक्चर आएगा। तो ये ट्रायंगल शेप में आ रहा है इसलिए इसको, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल है और इसका जो ये वाला एंगल है वो 120 डिग्री का है। सो दिस इज BH3 और हाइब्रिडाइजेशन आ गई आपकी sp2। बात करेंगे sp3 की, तो इसमें क्या होगा, एक s, 1x, 1s एंड 3p, 3p ऑर्बिटल जुड़ जाएंगे और अब कितने बनेंगे फिर टोटल, चार। तो चार कैसे अरेंज करेंगे, आपने आपको टेट्राहेड्रल शेप में, दो तीन और चार, और ये छोटे छोटे लोब्स आप यहाँ पे सेंटर में तो नहीं, यहाँ बीच में ऐसे आप बनाएंगे। इसमें भी आप ये जो ये वाला आपने बनाया, इसमें भी आप यहाँ सेंटर में नहीं बनाएंगे, ऐसे बाहर से बनाएंगे, सेंटर में लोब्स नहीं बनाएंगे इसके, इन दो के बीच में लोब्स बनाएंगे। यह गई आपकी sp3। इस ये जो शेप आती है इसको आप टेट्रा हेड्रल शेप बोलते हैं और इसका जो एंगल आता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का आता है। एग्जांपल की बात करेंगे तो CH4, अभी हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें, अभी मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p, x1, y1 और z में कुछ नहीं, और उसके बाद जब ये एक्साइट हो जाता है तो ये 2s1 हो जाता है, 2px1, 2py1, 2pz1 हो जाता है, फिर ये चारों जो है वो इंटरमिक्स हो जाएंगे, ठीक है। एक s और 3p जब ये इंटरमिक्स हो जाएंगे तो आपकी शेप बनेगी कुछ इस तरह की, कि कार्बन सेंटर में, एक ऊपर लोब, ये वाला लोब और ये लोब, और इसका यहाँ पे अब स्मॉल दो लोग यहाँ पे, इसका लोग यहाँ पे,
इस टाइप, और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे चार, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ 1s है, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। शेप की बात करेंगे तो ये आपका इस टाइप का बनेगा, सी एच 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 और एच, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। एंगल की बात करेंगे 109 डिग्री और 28 मिनट का ये एंगल, तो इसकी शेप आ गई आपकी sp3, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। तो इस तरह से आपकी ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp sp2 और sp3। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट देखते हैं हम जो नेक्स्ट आपकी हाइब्रिडाइजेशन है नेक्स्ट वीडियो में।